क्या भारत में पोर्न वीडियोस देखना इलीगल है? यार मेरी एज जो है 18 साल से कम है और मैं पोर्न वीडियो देखूं तो क्या मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे? यार अगर मैं पोर्न वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं या पोर्न वेबसाइट पर पब्लिश करूं तो क्या मेरे को जेल हो सकती है? क्या मैं अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखूं तो ये गलत है या ये इनलीगल है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में कभी ना कभी आए जरूर होंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं एनके प्रजापति आपका होस्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी पोर्न एजुकेशन से रिलेटेड दो वीडियोस बना रखी है जिसमें कि आपका रिस्पांस जो है गाइस काफ़ी अच्छा देखने को मिला और यही आपका अच्छा रिस्पांस मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लेके आऊँ। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि अगर हम पोर्न वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्या इनलीगल है, या फिर हम पोर्न वीडियोस देखते हुए पाए जाते हैं तो क्या हमको पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोर्न वीडियो को लेकर के अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अपने देश भारत की। तो दोस्तों भारत के अंदर अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और आप प्राइवेटली पोर्न देखते हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा और आप जी भर के जितना चाहे उतना पोर्न देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड बोले कि आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप प्राइवेटली पोर्न देखो, पब्लिकली नहीं। जैसे कि अगर आप अपने घर में देख रहे हो, रूम में देख रहे हो, बाथरूम में देख रहे हो, ऑफिस के कोने में देख रहे हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप पोर्न वीडियोस को भाई साहब मेट्रो में देख रहे हो, बस में देख रहे हो, रेल में देख रहे हो कि भाई मेरी एज तो 18 साल से ऊपर है, मैं तो पोर्न वीडियोस देख सकता हूँ, मेरे खुले के देख रहे हो, तो वहाँ पे वो इलीगल हो जाता है। बिकॉज क्योंकि आप पब्लिकली देख रहे हो तो वहाँ पे आपके अलावा और भी लोग हैं और ये जो कंटेंट जो आप देख रहे हो फोन पे, ये जो वीडियोस हैं किसी दूसरे के माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसलिए ये टोटली इनलीगल हो जाता है। और ऐसा अगर आप करते पाए जाते हो तो गाइस आपको जेल भी हो सकती है एंड आपको पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है और हो सकता है गाइस आपको पब्लिक भी पकड़ के पीट दे। तो गाइस आप बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन है गाइस आपने बहुत बार पूछा है कमेंट बॉक्स में मेरी पिछले वाली वीडियोस पे कि अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से कम है और आप पोर्न वीडियोस देखते हो तो क्या ये इलीगल है, क्या ऐसे करते वक्त आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो इलीगल वर्ड यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हर एक चीज़ के ना रूल होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो पोर्न वीडियो है यानी पोर्न कंटेंट है उसको 18 प्लस वाले देख सकते हैं बिकॉज वो कैपेबल हो जाते हैं, थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, फिजिकली भी उस चीज़ के लायक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अंडर 18 हो तो अंडर 18 की एज ऐसी होती है ना कि उस टाइम पे आपका जो फोकस है मेन अपने करियर पे होना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई पे होना चाहिए। तो ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि अंडर 18 में जो लोग पोर्न देख रहे होते हैं वो क्या होता है, मतलब पोर्न को उनको लत लग जाती है एंड वो गलत दिशा में चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह को थोड़ा मिस कर देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो निकल के सामने आती है। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो यहाँ पे एक रूल बनाया गया कि 18 साल से कम के लोग जो है वो पोर्न नहीं देख सकते। बाकी आप छुपके देखोगे तो यार ऐसा कुछ तो होता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि देखते नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आधे लोग जो है वो 18 साल से कम है और वो पोर्न देखते हैं, और अगर आपको इस चीज़ का सबूत चाहिए तो आप मेरी पिछले वाली जो मैंने पोर्न से रिलेटेड वीडियो बनाई थी उस पर कमेंट पर जाकर देख सकते हो। बहुत लोगों ने कमेंट करा है भाई कि मेरी 13 है, मेरी 17 है और मैं स्टिल पोर्न देखता हूँ। तो इसमें कुछ भी गलत इनलीगल नहीं कह सकते, लेकिन आपको जो है संभल के देखनी चाहिए और 18 साल से ऊपर हो तभी देखनी चाहिए, बिकॉज ये जो है आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत के अंदर पोर्न वीडियोस को वेबसाइट पर पब्लिश करना या फिर शेयर करना किसी दूसरे पर्सन के साथ लीगल है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये टोटली इनलीगल है। बिकॉज भारत का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप पोर्न वीडियोस नहीं शूट कर सकते, ना ही बना सकते, और ऐसा करते हो पाए जाते हो तो आपको जो है जेल हो सकती है। समझ रहे हो ना। और इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आप पोर्न वीडियो शेयर करते हो किसी के साथ, मतलब आपने बनाई नहीं है किसी और की लेकिन आप शेयर करते हो, तो बस ये भी टोटली इलीगल है बिकॉज आप किसी दूसरे की मतलब प्राइवेट कंटेंट को किसी के साथ शेयर कर रहे हो, जिसके साथ शेयर कर रहे हो तो उसको भी उसके माइंड पे वो वीडियो इफेक्ट डाल सकती है। अगर उस बंदे ने कंप्लेन या उस बंदे ने कंप्लेन कर दी आपके खिलाफ कि भाई ये बंदा मेरे को ऐसी वीडियो शेयर करता है, तो भी आप पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। तो ये टोटली गलत है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? सो गाइस अब बात कर लेते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना गलत है या फिर सही। तो दोस्तों यह मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना तो गलत है ही,
साथ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करना भी टोटली गलत है और इनलीगल है। अब आप बोलोगे कि देखना तो गलत है, चलो समझ में आता है, लेकिन सर्च करना क्यों गलत है? सर्च करना भाई इसलिए गलत है क्योंकि आप जैसे सर्च कर रहे हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वैसे आपके जैसे लाखों लोग या करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो सर्च कर रहे होंगे सेम कंटेंट। इसका मतलब कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डिमांड होगी और डिमांड होगी तो उसको सप्लाई करने वाले लोग भी आएंगे जो कि बच्चों से गलत काम करवाएंगे और ये टोटली गलत हो जाता है। इसीलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना एंड सर्च करना दोनों ही गलत है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो भाई साहब पुलिस आपको बिना वारंट को उठा के ले जाएगी, ये देख लेना। तो इस बात ऐसी है, तो भाई सही क्या था, मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप प्राइवेटली पोर्न देखो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो वैसे कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद भी आई होगी, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो में। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस आई होप आप भी इस वीडियो को उतना ही प्यार दिखाओगे जितना प्यार आपने बाकी वीडियोस को दिखाया है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना और आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो गाइस मेरे को दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।